नमस्कार, आईवी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बांडवाल। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ हुए कथित हिंसा मामले को लेकर मनीष कश्यप पर कार्रवाई की जा रही है, यानी कि वो कथित हिंसा मामले का जो वीडियो था उसे वायरल करने को लेकर मनीष कश्यप पर कार्रवाई की जा रही है। और ऐसे में मनीष कश्यप जो है अभी ईओयू के रिमांड पर है, उनसे पूछताछ की जा रही है। पहले तो मनीष कश्यप को ईओयू ने एक दिन के रिमांड पर लिया था, जिसके बाद और 4 दिनों के रिमांड पर कोर्ट के द्वारा ईओयू को दिया गया है और उनसे पूछताछ जो है इस मामले को लेकर की जा रही है। लेकिन एक तरफ देखा जाए तो जो चुनावी रणनीतिकार है प्रशांत किशोर, उन्होंने भी इस मामले को लेकर, यानी कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ हिंदी भाषी मजदूरों के साथ पिटाई मामले को लेकर एक बयान जारी किया है। दरअसल इस मामले को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा है कि मैंने भी तो अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से तीन एक के बाद एक ट्वीट किया है, और अगर इस मामले में कोई सच्चाई नहीं है तो बिहार सरकार और तमिलनाडु की सरकार मेरे पर भी कार्रवाई कर सकती है, मैं उनको खुली चुनौती देता हूं। तो वो कौन से ट्वीट है जिसके बारे में प्रशांत किशोर कह रहे हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, ये प्रशांत किशोर का ये जो ट्वीट है, ये 5 मार्च का ट्वीट है। इसमें उन्होंने लिखा है कि यह वीडियो तमिलनाडु रेलवे पुलिस ने 16 फरवरी को शेयर किया है। तमिलनाडु सरकार के डीजीपी को जीआरपी चेन्नई में रजिस्टर्ड एफआईआर के स्टेटस के बारे में भी बताना चाहिए। जिसके ठीक ऊपर हम जाएंगे तो प्रशांत किशोर का जो दूसरा ट्वीट है, जिसके बारे में प्रशांत किशोर ने बताया है, हालांकि इस वीडियो के बारे में भी जो बताया आपको, ये 5 मार्च का जो ट्वीट है इसको लेकर भी प्रशांत किशोर ने अपने आज दिए गए बयान में ये बताया है कि इस वीडियो में कार्रवाई की जा चुकी है और ये जो व्यक्ति इनके साथ मारपीट कर रहा है उस पर कार्रवाई हो चुकी है। ऐसे में प्रशांत किशोर का ये दूसरा ट्वीट जो है ये 10 मार्च का है, जिसमें लिखा हुआ है कि ऑल दोज हु यूज्ड फेक वीडियोस टू इंसाइट हेट एंड वायलेंस मस्ट बी डेल्ट विद एज पर लॉ, बट दिस डजंट अब्सॉल्व दोज हु आर ओपनली कॉलिंग फॉर वायलेंस अगेंस्ट हिंदी स्पीकिंग पीपल इन तमिलनाडु। वाई नो एक्शन अगेंस्ट लाइक्स ऑफ सेमन ऑफिशियल फॉर देयर विट्रियोलिक अटेरेंसेस। यानी कि इस ट्वीट का मतलब हम आपको बताएंगे तो प्रशांत किशोर ने लिखा है कि नफरत और हिंसा भड़काने के लिए फर्जी वीडियो का इस्तेमाल करने वाले सभी लोगों से कानून के मुताबिक निपटा जाना चाहिए, लेकिन यह उन लोगों को दोष मुक्त नहीं करता है जो खुले तौर पर तमिलनाडु में हिंदी भाषी लोगों के खिलाफ हिंसा का आह्वान कर रहे हैं। इन जैसे लोगों को, यानी कि इन्होंने सिमन ऑफिशियल वाले अकाउंट का टैग किया है और लिखा है कि इन जैसे लोगों के कटु व्यवहार के लिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि ये तो क्या लिखा हुआ है, हम आपको पढ़ के बताएंगे। ये जो है ये लीडर है, वहां के एनटीके पार्टी के लीडर हैं और ये अपने दिए गए भाषण के दौरान बोल रहे हैं, जैसा कि इस वीडियो का अर्थ लिखा गया है बगल में, क्योंकि ये तमिल में बोल रहे हैं और ऐसे में इनका भाषण का जो है हिंदी में शाब्दिक अर्थ जो बताया गया है इन्होंने लिखा है, यानी कि ये बोल रहे हैं, हिंदी भाषी लोग बदहवासी में अपना सामान पैक करके यहाँ से भागेंगे, मुझे नहीं पता मैं कितनों को पीटूंगा, एक हफ्ते के अंदर वे अपना सामान बांध लेंगे। और जैसा कि पद की बात करें तो सेंथा मिजहान सिमन पार्टी का नाम है इनका, नाम तमिलर कच्ची, यानी कि एनटीके पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। और इनका भी वीडियो प्रशांत किशोर ने पोस्ट किया और अपने वीडियो में प्रशांत किशोर ने ये भी कहा है कि इन पर भी कार्रवाई की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, इन पर भी कार्रवाई की जाएगी इस तरीके से बयानबाजी करने के लिए। जिसके बाद ठीक एक और ट्वीट प्रशांत किशोर ने किया है जो कि 13 मार्च का है। इस ट्वीट में उन्होंने तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन को थैंक यू लिखा है, क्योंकि उन्होंने जो कार्रवाई की है उसको लेकर। अब ऐसे में तमिलनाडु के मामले को लेकर प्रशांत किशोर ने जो वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ये पूरा मामला जो है इसको लेकर मैं बिहार सरकार और तमिलनाडु के सरकार जो है उन्हें खुली चुनौती देता हूँ, कि उन्होंने कहा कि एक तरह से माना जाता है कि ठीक है जो फेक वीडियोज़ फैलाए जा रहे हैं वो नहीं फैलाए जाने चाहिए, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर ऐसी बात नहीं है कि घटना नहीं हुई है, घटना तो हुई है लेकिन मजदूरी को लेकर नहीं, लेकिन मजदूरी के दर को लेकर हुई है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो प्रशांत किशोर जो वो मनीष कश्यप के समर्थन में खड़े हो गए हैं। उन्होंने नाम का जिक्र नहीं किया है, लेकिन एक तौर पर देखा जाए तो जिस तरीके से उन्होंने तमिलनाडु मामले को लेकर वो बोल रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने खुली चुनौती दी है बिहार सरकार और तमिलनाडु की सरकार को कि अगर कुछ गलत मैंने लिखा है, मैंने तो अभी तक इन तीनों पोस्ट को अपने ट्विटर से डिलीट भी नहीं किया है, तो अगर कुछ गलत है तो आप मेरे पर कार्रवाई कर सकते हैं, मेरे पे केस कीजिए, मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ऐसे में चलिए प्रशांत किशोर का वो बयान सुनाते हैं आपको जो उन्होंने तमिलनाडु प्रकरण को लेकर दिया है। तमिलनाडु की घटना को लेकर मैंने 3 ट्वीट किए जी, वीडियो सामने है जी, जिन लोगों ने उस विषय का इस्तेमाल करके फेक वीडियो डाला, गलत दुष्प्रचार किया, उन पर कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए जी। लेकिन
तमिलनाडु में घटना हुई है उसका प्रमाण तो मैंने डाला हुआ है ट्विटर पे, और दोनों सरकारों को जो लोग भी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जी। उनको खुली चुनौती भी दे रखती है कि हमने तो फिर अपना वीडियो हटाया नहीं है जी। कि अगर आपको लगता है कि ये गलत वीडियो है तो हम पर आप केस कर दीजिए, बल्कि परिणाम उल्टा हुआ है जी। दो वीडियो मैंने डाले हैं, एक ट्रेन वाली घटना का जो वीडियो है उस पर केस हुआ है, वो आदमी अरेस्ट हुआ है जी। और दूसरा वो वहां के जो एनटीके के लीडर हैं उनको भी मेरे ट्वीट के बाद उन पर केस हुआ है, उन पर भी कार्रवाई हो रही है। तो देखिए घटना में सच्चाई है, लेकिन घटना का जो परिप्रेक्ष्य है उसको समझने की जरूरत है। तमिलनाडु के लोगों को बिहार के लोगों से कोई परेशानी नहीं है, परेशानी ये है बिहार में हम लोग को ये समझना चाहिए कि ये घटनाएं क्यों हो रही है। घटनाएं इसलिए हो रही है कि तमिलनाडु केरल जैसे राज्यों में दैनिक मजदूरी 600 से 700 रुपए हो गई है, बिहार के लोग गरीबी में बेवसी में जाकर वहां 400-500 रुपए में काम कर रहे हैं। तो तमिलनाडु के लोगों को ये लग रहा है कि भाई ये लोग आकर ये तो पूरा रेट ही खराब कर रहे हैं, दैनिक मजदूरी को कम कर रहे हैं। तो मजदूरी समस्या नहीं है, मजदूरी की दर समस्या है। यही बात मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे जैसे ये स्थिति आगे बढ़ेगी, दूसरे राज्य और तरक्की करते जाएंगे, वहां मजदूरी आगे बढ़ती जाएगी और बिहार में गरीबी का आलम यही रहा, तो ये परेशानी पहले महाराष्ट्र में आती थी, अब तमिलनाडु में आ रही है और उन राज्यों में भी आएगी। उन राज्यों के लोगों का दोष देना और इस पर राजनीति करने से नहीं होगा। अगर वहां कुछ लोगों ने इसका फायदा उठाने की कोशिश की है तो मैंने ट्वीट किया है, वहां के मुख्यमंत्री को बताया है, उन पर कार्रवाई भी हुई है। मैं इस पर कोई राजनीति नहीं कर रहा हूं। दूसरी बात, बड़ी चिंता की बात यह है कि बिहार में हम लोगों को ऐसे समाज की ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना चाहिए कि हमारे लोगों को तमिलनाडु न जाना पड़े, पंजाब महाराष्ट्र न जाना पड़े। हम लोग को ऐसा बिहार बनाना चाहिए कि तमिलनाडु के लोग आकर यहाँ नौकरी करें, जब हम लोग अपने गलती कर रहे हैं। तो इस बयान के माध्यम से देखा जा सकता है कि प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर बिहार सरकार और तमिलनाडु की सरकार को खुली चुनौती दी और साफ तौर पर ये कहा कि ये जो मामला है ये कहीं ना कहीं इसमें कोई सत्यता नहीं है, ऐसी हम बात नहीं कह सकते, आखिर कहीं ना कहीं बात सच है। क्योंकि लगातार इस मामले को लेकर मैंने भी वीडियोज शेयर किए हैं और इस पर वहां की मुख्यमंत्री के द्वारा कार्रवाई भी की गई है। ऐसे में फेक वीडियोज जो फैलाए हैं उन्हें उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो सच्चाई है उस पर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ प्रशांत किशोर ने इसी मुद्दे को लेकर बिहार सरकार पर भी हमला बोलने का काम किया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बिहार के मजदूर दूसरे राज्यों में जाकर काम करते हैं और कुछ दिनों पहले देखा जाए तो महाराष्ट्र में भी बिहारी मजदूरों के साथ, बिहार के लोगों के साथ ऐसी घटना होती थी और अब तमिलनाडु में हो रही है, तो इस पर कहीं से गुरेज नहीं कर सकते कि आने वाले दिनों में कोई और राज्यों में बिहारी मजदूरों के साथ कहें या बिहारी लोगों के साथ इस तरीके का व्यवहार जो है वो किया जाएगा। क्योंकि जब तक बिहार विकसित नहीं होता है, जब तक बिहार से लोग पलायन करना बंद नहीं करेंगे, तब तक जो है ये मुद्दा ये खत्म होने वाला नहीं है। ऐसे में बिहार सरकार को पहल करनी चाहिए और साथ ही साथ उन्होंने जमकर बिहार सरकार पर निशाना साधने का काम किया इस मामले को लेकर। इस खबर में इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें IVTV के साथ। धन्यवाद। टफकॉन XT600 HCR TMT रिबा, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ, टफकॉन XT के साथ।